माता भूमि पुत्र हम पृथ्वीहा अर्थात धरित्री आमर माता आउ आमे तार संतान। माँ और पुत्रर एक प्राकृतिक सेतु हेउछि प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया रे जीवामृत जीवामृत आसंतु जानिबा जीवामृत किभळि प्रस्तुत करा जाए। परीक्षा करी जणा जायछि 10 किलोग्राम गोबर सहित गोमूत्र गुड़ बेसन बा अन्य डालीर अटा आदि मिसाई जदि एहार प्रयोग करा जाए ताहाले चमत्कारिक परिणाम मिलिथाय। एहार नाम जीवामृत रखा जायछि। जीवामृत प्रस्तुत निमन्ते सामग्री गुड़िक हेउछि 10 किलो देसी गाई गोबर 8-10 लिटर देसी गाईर मूत्र 1.5-2 किलोग्राम गुड़ 1.5-2 किलोग्राम बेसन 180 लिटर पानी कौनसी गछ तलर मुठाए माटी। सहजरे मिली पारुथुबा एही सामग्री गुड़िकरु जीवामृत तयारी करिबा मध्य एते सहज जे जे कौनसी चासी भाई एहाकु प्रस्तुत करिपारिबे। प्रथमे गोबर गुड़िकु पानी अथवा गोमूत्र रे गोळी चकटी तरल मिश्रण तयारी करिनियंतु। तापरे एहाकु एक ड्रम रे पकाई बाड़ी साहाज्यरे भलो करी मिसांतु। दुई दिन पर्यंत एहाकु छाईरे रखि दियंतु। प्रतिदिन सकाळ संध्यारे जीवामृतकु भलो भाबरे बाड़ी साहाज्यरे गोळंतु एवं ढांकि दियंतु। ए जीवामृतकु खेतरे पकाइले जमीरे जीवाणुमानंकर संख्या अविश्वसनीय भाबरे बढ़िथाय तथा भूमिर रासायनिक एवं जैविक गुणरे वृद्धि होइथाय। एहि जीवामृतकु मासकु थरे किंबा दुई थर 200 लिटर पानी रे मिसाई जमीरे पकांतु। फलवृक्ष निकटरे दुईपहर परे गोलाकार भाबरे जीवामृत मासकु थरे किंबा दुई थर पकांतु। प्रति गछ पिछा 2-5 लिटर पर्यंत एहाकु व्यवहार करंतु। एथिरे माटी नरम हुए एवं उर्वरता वृद्धि पाइथाय। एथिजोगु कृषकंक मित्र कुहा जाउथुबा जियामानंक संख्या मध्य बढ़िथाए। प्राकृतिक कृषि रे गभीर चाष दरकार हुए नाही। केवल एतिकि नुहे प्राकृतिक कृषि भूमिगत जलस्तर मध्य बढ़ाइथाए। ए प्रणाली रे मुख्य फसल सहित सहयोगी फसल मध्य अमल करा जाइथाए। जीवामृतर सुखा जाइथिबा स्वरूप हला घन जीवामृत जहाँ फसल बुणीबा पूर्वरु जमीरे मिसा जाइथाए। खरारे सुखा जाइथिबा 200 किलो गोबररे ताजा तयारी 20 लिटर जीवामृत मिसाई दुई दिन छाईरे सुखाई दिया जाए। तापरे पुणी थरे खरारे सुखाई छाणी दिया जाए। एहा हेउछि घन जीवामृत जहाँकु एक एकर जमीरे प्रयोग करा जाय पारे। प्राकृतिक कृषिर एक आवश्यक उपादान हेला बीजामृत। बीजामृत मंजिकु कीटपतंग दाउरु रक्षा करिबा सहित एहार अंकुरण क्षमता बहुत भावरे बढ़ाई थाए। देशी गाईर 5 किलोग्राम गोबर 5 लिटर गोमूत्र 50 ग्राम पानी गोला होइथिबा चून एवं अल्प माटिकु 20 लिटर पानी रे मिसाई बीजामृत प्रस्तुत करा जाए। एहाकु गोटिए राति रखिबा परे 100 किलोग्राम मंजिर संस्कार करा जाय थाए। एहार दिनक परे संस्कारित मंजिटी बुणा हेबा पई प्रस्तुत होइ जाय थाए। आच्छादन प्राकृतिक कृषिर एक विशेष नियम। चाष जमिकु फसल अवशेष किंबा छोट समयर अंतः फसल द्वारा संपूर्ण आच्छादित करि दिया जाए। आच्छादन आर्द्रता को खरारु रक्षा करिथाए। एहा वातावरणरु आर्द्रता सृष्टि जमीर आवश्यकता मेंटाई थाए। जीवाणु मानंक गतिविधि वृद्धि करिथाए। घास लटा को नियंत्रित करिथाए एवं शेषरे विघटित होई जमीरु कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित करी उर्वरता वृद्धि करिथाए। प्राकृतिक कृषि रे बापसा निर्माणर प्रक्रिया मध्य बेस महत्वपूर्ण जहाद्वारा भूमि रे आर्द्रता वायुर संतुलन बराबर रखा जाय थाए।
ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି କେବଳ ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇ ନଥାଏ ବରଂ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। କୀଟପତଙ୍ଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ମିଳୁଥିବା ବୃକ୍ଷଲତାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଗ୍ନି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ନିମ୍ବ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଗଛର ପତ୍ର ଯାହା ଗାଈଗୋରୁ ଖାଇନଥାନ୍ତି, 20 ଲିଟର ଦେଶୀ ଗାଈର ମୂତ୍ର, 500 ଗ୍ରାମ ତମାଖୁ ପାଉଡର, 500 ଗ୍ରାମ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 50 ଗ୍ରାମ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମିଶାଇ ଘୋଡ଼େଇ ରଖି ଏହାକୁ ହାଲୁକା ନିଆଁରେ ସିଝାଯାଏ। ତାକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ 6 ଲିଟରକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ 1 ଏକର ଜମିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜୀବାମୃତ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ଦଶପର୍ଣ୍ଣି ଆଦି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति उपलक्षे वर्तमान कृषि दिशा और दशा पाई माननीय प्रधानमंत्री आह्वान अति महत्वपूर्ण। देशर लक्ष लक्ष कृषक एहाकु आपणै एहा प्रमाणित करिछन्ति गुजरातर डांग जिला संपूर्ण प्राकृतिक कृषि भित्तिक जिला घोषित होइसारिछि। देशर अनेक गाँ ଆଜି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର, କାରଣ ଏଥିଯୋଗୁଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ମୋର ନାମ ସତ୍ୟା, ମୋର 150ଟି ସେଓ ଗଛ ଅଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିରେ କରୁଛି। ଦୋକାନରୁ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ଆଣି ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିଲୁ, ପଇସା ବି ବହୁତ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେଉଛି, ଫଳ ବି ଭଲ ଆସୁଛି। ଏବେ ୟୁରିଆ ବି ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଗରୁ 5000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 500 ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ମୋ ବଗିଚାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ଫସଲ ଆସିଲେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିକୁ ଆପଣେଇବା ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ମୃତ୍ତିକାର ଗୁଣରେ ସୁଧାର ଆସିଛି, ଧରିତ୍ରୀ ମା ଖୁସି ଅଛି, ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇ ତାର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ଫେରାଇବା ଦରକାର। ଏହି କୋଭିଡ କାଳରେ ଲୋକେ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଯେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବୁଝିଲେଣି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ଖାଇବା, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଲ 2 ପଇସା ମିଳିପାରିଛି। ଆମର ପଇସା ବି ବଞ୍ଚିଲା ଆଉ ସମୟ ବି। ଆମର ପୃଥିବୀ ମାତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ରହୁଛି। ଏମାନେ ହିତ ସେହି କୃଷକ ଯିଏ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ବଳରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭର କୃଷକଙ୍କ ଖୁସି।